खानाबदोश होते हैं, वो आते हैं यहाँ पर स्नो बोलो एक्चुअली गोल्ड माइन करके जाते हैं यहाँ रिवर के एजिस से। आपको ये दिखाता हूँ ये जगह, अपने कजन के साथ हुंजा किया था एंड जहाँ पे हम हुंजा रिवर के सीक्रेट्स जानेंगे। So, yeah, let's go. Show you the full length of it. It's a huge rock. It's a pretty huge rock. And you don't know where it came from, right? No. That's crazy, man. Maybe a long time ago, maybe, I don't know, man. Continental shifts, earthquakes, who knows, you know, maybe. Who knows. It's scary, actually. I mean, people have, you know, witnessed some weird... Abnormal stuff. Activities, yeah, here? Exactly. Well, are you joking? Why have you bring in me the here? In the night, don't worry. In the night, okay. Sahib. बड़ा डेंजरस है भाई, ये तो सारे कांटे हैं यहाँ पे। और तुम कैसे मतलब चप्पल पहन के आए हो जरा? मेरे पैर में थोड़ी सी इंजरी है इसलिए मैं इस तरह। अरे बोला ओह लुक एट दिस गाय, एक्चुअली यू नो व्हाट, एंड ही इज गॉन। यू नो व्हाट, यू वांट टू जंप, यू गोना जंप, ऑलराइट, ओके, नाउ व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, हम आ गए हैं दरिया के पास। तो इस वक्त हम चार शनाकी अकेले हैं। चार शनाकी अकेला है। अभी आपको हंसा रिवर दिखाते हैं। आउच, ऑलमोस्ट आ गए। तो ड्रम रोल्स, डुन डुन डू डू डू, दैट्स द रिवर। Why does it look so dirty? I don't know. It's not dirty. It's actually the, you know, the stones. Mm-hmm. They, you know, they... do that. What you're doing with your hands. They... they collide with each other. No. Yeah, something they like rub that. With each other. Something they like rub that. With each other. That's very... Abhi glacier jo nahi hai. Glacier? Pani aata hai na abhi. Isliye... यानी पानी की मकदार बढ़ जाती है, पानी की मकदार बढ़ जाती है और उसका कलर भी चेंज। पानी समर्स में ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, कभी कभार अंदर भी चला जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे सैंड देख सकते हैं, ये सैंड है। ये देख, नाइस। चल, हमारा मिनाज भाई बोल रहा है अभी तैरने वाले अंदर। ओ यार रिवर में नहीं तैरना चाहिए वैसे। रिसेंटली यहाँ पे ना, मैं घुंजा से कोई भी है यहाँ पे जो सुन रहे हैं इसको, और या फिर जो डाउन से आते हैं, बाहर से आते हैं, जो भी हैं, प्लीज़ डोंट स्विम इन घुंजा रिवर, इट्स वेरी डेंजरस। दिखती बहुत काम है, काम दिखती है बहुत जो है ना, लेकिन बहुत अंदर से जिसके अंदर पावर बहुत है इसको। आप अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर पता नहीं चलेगा आपको कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे। That's a bone. यहाँ पे बोन क्यों होना चाहिए सर? That's very scary. Don't do that, man. That's why I said. It's literally a bone of an animal. That is what I said. Hunza is a scary place. It's not a scary place, man. I'm sorry. Don't do that. Oh! So I got something to show you. Come here. आप जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे वो बने हुए बजरी के, हाँ बजरी के वहाँ भी है। हाँ, ये इधर 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 बाहर आ जाओ। अच्छा अच्छा, ये और बाहर भी बहुत सारे हैं। इसके पीछे एक वो एक साइंस कह लें आप, एक एक जॉब कह लें, कुछ भी कह लें, और क्या करते हैं लोग कुछ कौन करते हैं ये हंटर्स करते हैं क्या? नहीं, 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 होते हैं बाहर से लोग आते हैं, वो आते हैं यहाँ पर स्नो बोलो एक्चुअली गोल्ड माइन करके जाते हैं यहाँ रिवर के एजिस से। आपको ये दिखाता हूँ ये जगह, यहाँ से ये लोग हैं जो बजरी वगैरह उसको काट के जमा करते हैं, जमा करके वहाँ पानी में ले जाके पता नहीं क्या करते हैं, उनका कोई वो है। लेकिन उनसे हमने काफ़ी पूछने की कोशिश की लेकिन वो अपना राज बताते नहीं हैं। अच्छा,
सो दो आई डोंट नो मतलब ये गोल्ड निकालने की तरीका है, एक ट्रिक है लेके जाते हैं ये लोग, इसमें से गोल्ड निकालते हैं। अच्छा, गोल्ड के बिल्कुल टाइम में डालते हैं, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं, फिर जो इसके इसके साथ ये बाजरी के साथ जो क्या कहते हैं यार वो सेंड लगा होता है, फिर वो अलग होता है, वो अलग होने के बाद उसको फिर लेके जाते हैं, वो उसको हीट के ऊपर रखते हैं, उसको उसको हम बोलते हैं सुनहरी शक्ल। अच्छा, तो गोल्ड सेंड इंग्लिश में ये हुआ ना। अच्छा, गोल्ड सेंड मिलता है, यानी वो फंस जाता है इसके अंदर बेसिकली पानी से आकर, तो उसको लेके वो फिर हीट के ऊपर रखते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर उस मेल्ट करते हैं, पता नहीं क्या उसके साथ एक पर्वत टाइप का वो चीज़ निकलता है, पर्वत बोलते हैं उसको। अच्छा। हमारे जबान में पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, पर्वत ही होगा मेरे ख्याल से, पर्वत ही ऐसा निकलता है। अच्छा, वो फिर क्या कहते हैं यार, ये जुमू का दवाई होता है, सर्प जो जुए जबरदस्त के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे गोल्ड निकलता है। अच्छा, फिर वो बाकी जो तरीके हमें नहीं दिखाए उन लोगों ने। अच्छा। थे हम वो सीक्रेट रखते हैं ताकि उनका जो रखते हैं वो ताकि ये लोग ना निकाले, अगर ये लोग निकाले शुरू कर तो हमारा भी खाता खत्म हो जाएगा। ये ऐसे नेचुरली नहीं बने यहाँ पे, नहीं 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 तैरना नहीं, तैरना नहीं, तैरना नहीं। ओह भाई यार, ये तो बहुत आगे तक की। चलो भाई मुकाबला यार, चल साकिब, चल रेडे, ऐसे ये सामने आ गया। ओए ये तो बहुत आगे गया यार, चल चल दोबारा दोबारा, क्रॉस कौन कर सकता है, चलो देखते हैं। ओए ओए थोड़ा सा रह गया, क्रॉस कर लिया, नहीं थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। एच पे एच पे जाके रुक, मैं करता हूं ना, मेरी बारी है। ओए ओ यार ये ऑल मोस्ट रेडी, यस गो। अबे ये क्या कर लिया तूने यार, इधर से फेंकना, तू दरमियान में ही फेंक रहा है पहले से, क्या बात है। ये हायर ग्रेटर कराकोरम रेंज के अंदर आता है, ये वाइट जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके बाद जो एक चोटी है आगे, वो एक राकापोशी है। क्या है? राकापोशी है, ठीक है। तो ये वो वाइट वाला पहाड़ है, और इस साइड पर हम आते हैं तो ये नासिराबाद के, नासिराबाद कह रहे हो यार, सुना कि मायून के जो पहाड़ है नासिराबाद, लेसर कराकोरम रेंज, लेसर इधर से नज़र नहीं आ रहा है, पीछे ग्लेशियर का सामने सूखी सूखी पहाड़ नज़र आ रहा है, सूखे पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन इससे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना, ऊपर हमारे नासिराबाद की तरह इनके भी फेरी मेडोज है, या मेडोज है, फेरी मेडोज नहीं, मेडोज है। और समर्स में ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, एग्जैक्टली ग्राउंड्स नहीं है लेकिन ग्राउंड काफ़ी, हाँ। तो समर्स में यहाँ के लोग जो है अपनी भेड़ बकरियाँ होती हैं लेके जाते हैं अंदर, 6 महीने 7-8 महीने रखते हैं, 6 महीने रखते हैं, और वहाँ वहीं पर चराते हैं बारी बारी करके, वहाँ पर ग्राउंड्स में अंदर, उसको हम मायूनबर कहते हैं। ये वो पत्थर है, वो बड़ा पत्थर है जिस जिसकी स्टोरी आपको मैं कुछ टाइम में ये बता देंगे साकिब, ये हमारे सारे दोस्त, तो इसके ऊपर हम जाएंगे अभी। साकिब सो रहा है वहाँ पे, थक गए। लगता है अपने पेंट फाड़ दिए, तो साकिब मेरे पे पेंट फाड़ दिए, और वो भी गलत जगह से, तो ये एक अचीवमेंट एक तरह की, हाइकिंग में पैंट फटना एक अचीवमेंट है, इसको मतलब भाई ने मेहनत की है, मेहनत की है। हाँ मतलब प्रूव हो जाता है कि भाई ने मेहनत की है, मतलब जिस पत्थर पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाली पत्थर नहीं हुआ करते थे एक टाइम पे, ये पूरा एक लैंड बनी हुई थी एक तरह से, यहाँ से लेके वहाँ तक, यानी ये जो हम कटाई देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, दरिया यहाँ पर नहीं थी। अच्छा, दरिया बिल्कुल इसके पीछे थी, यहाँ पर गई थी दरिया पीछे। अच्छा, पीछे थी, फिर जब 90s में या 80s में एक गोजाल साइड से एक सैलाब आया, बहुत भयानक सैलाब आया। अच्छा, उससे मतलब इस जगह की पूरी वो लैंडस्केप बदल दी, ज्योग्राफी बदल दी। आगे नील्थ के मकाम पे एक पहाड़ आता है, वो अच्छा बिल्कुल वो कोने पे कोने पे कोने पे एक पहाड़ आता है, वो पत्थर का पहाड़ है,
वो सैलाब आया, उसने उधर टकराया, वहाँ टकरा के उसने अपना रुख बदल लिया, रुख बदल दिया। पहले वहाँ से दरिया एक गुजरता था, हाँ, उसने दरिया ने अपना रुख बदल के फिर यहाँ से गुजरना स्टार्ट किया। ठीक। फिर दरिया ने कटाई कर करके बिल्कुल मतलब अंदर तक चली गई, ये नगर का इलाका वगैरह था पूरा। अच्छा। फिर जाके फिर हमारे उसमें आ गया ये। तो फिर ये पत्थर कहाँ से आ गया, ये तो बताया नहीं। ये उसमें था ना, ये हिल यानी इस जगह पे ये सारा मतलब जमीन था, ये पत्थर खुद बहुत निकला है। अच्छा, अंदर से निकला है, मिट्टी में अंदर छुपा हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, खुला हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा था भाई, मेरे नजर आ रहा था, मतलब इसके एक साइड एक फेस जो जिस साइड पे हम बैठे हो ना, ये नीचे वो दबी हुई थी। अच्छा अच्छा। इसका जो अभी दबा हुआ साइड नहीं है, वो उस वक्त ऊपर हुआ था, ऊपर आ गया था। उसके ऊपर फिर क्या लेडीज, उस जमाने के लेडीज जो थे वो एप्रिकॉट ला के इसके ऊपर ड्राई करते थे, यानी ये गर्म हुआ करता था, तो एप्रिकॉट ड्राई करके धूप भी पड़ती थी, तो इसलिए इधर ला के ड्राई करते। अनकरीब 100 कटोरी इसके ऊपर आती थी एप्रिकॉट। अच्छा। 100 कटोरी कटोरी एक बहुत बड़ी होती है, बड़ी हमारे जो देसी होती है उसको हम करई बोलते हैं। हाँ, करई। तो यानी इसके ऊपर सुखाया करते थे, तो इमेजिन कर कितना बड़ा है। अब मैं इसको एक ही साइड दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं जरा उस साइड से साइड है इसको इधर आओ, 20% दिखा रहा हूं, बाकी तो पूरा बाकी। अभी इसके नीचे इतनी बड़ी, उधर से पीछे से आके उधर पीछे तक। अच्छा, बहुत बड़ा है ये पत्थर। तो उसके बाद ये सैलाब के बाद ये हमारे साइड पे आ गया और दरिया उस पार से, यानी नगर ने लैंड लॉस्ट किया एक तरह का, काफी जमीन था वो इस तरफ आ गया। ऊपर देखें वहां बिल्कुल रोड के साथ ही, मतलब रोड की जगह रह गई है वहां पर सर। हाँ, कोने में बिल्कुल। ओ हाँ, वो देखिए इस रोड की जगह ले रहे इस, इसकी बात करें ना, कटाई करके कर। हाँ, ये कटाई जो है ना, अंदर कटाई कर दी है बिल्कुल, वहाँ उनके जो खेत है मैन वहाँ तक उसका वो हो गया, इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट पड़ा। और इसके वजह से देखें ये सारा कटा हुआ है काफी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। देखें अगर आप वहाँ देखें तो दोबारा इन लोगों ने आबाद भी किया है। हाँ, तरफ दिया है। और काफी लैंड इस तरफ आ गया फिर, ये सारा बहुत ज्यादा, ये जो अभी आप नजर आ रहे हैं ये जमीनी, ये सारे उस पार थे उस वक्त, यानी ये वाली जमीन है सारे उस पार थी बेसिकली। वैसे बहुत फायदा हुआ है आप लोगों को ना। बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हमारे, इतने इधर जमीनें हैं अभी। अच्छा, जमीनें इधर मिल गई, कनाल तो है कम से कम, कम से कम 100 कनाल, 100 कनाल से ज्यादा, 100 कनाल से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ये आप दिखाओ यार, ये पूरे पत्थर, ये पूरा पत्थर दिखा लेते हैं आपको। ओए, ये तो बहुत बड़ा पत्थर है भाई, ये देखें, ये पूरा एक ही चीज है। हाँ, एक ही है पूरा, इधर पीछे तक देखते हैं किधर तक जाता है। काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं सारा दिखा लेता। ओह, ये देखिए कितना बड़ा है, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो उस वक्त दबा हुआ है नीचे जमीन में, जमीन में दबा हुआ है बड़ा हिस्सा, ये नीचे का बैक साइड है उसका, एक्चुअली जो फ्रंट साइड था वो नीचे दब गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैक साइड है, पीछे खंडू रह गया सही। ओए, गिर जाएगा। तो बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं साकिब। और वेट कहाँ जा रहा है? ओह, नाइस नाइस साकिब, नाइस जंप, बहुत तगड़ा बंदा है साकिब। डरपोक था बचपन। अच्छा, हाँ ना, इसकी ट्रेनिंग में बड़ा हुआ इसलिए थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया मैंने इसको। अच्छा, सही। हाँ ना, मैं बचपन से तेज हूँ ना। इसको दाद वगैरह कहते हैं, मुझे बोलते हैं शरा ए पालो। शरा शरा आइबेक्स को हमारे जो आइबेक्स मारखोर बोलते हैं, मारखोर जो मारखोर आइबेक्स का। हाँ, आइबेक्स मार्किल मायर बोलते हैं उसको। अच्छा, आइबेक्स को मारखोर को हम बूम मायर बोलते हैं। तो आप उसके यानी बच्चे हैं। किल मायर का मैं बेटा हूँ। मैं शिकारी लाओ। तो ये था वो पत्थर जो जिसकी स्टोरी में हमने आपको बता दी। तो आई थिंक वी शुड एंड दिस व्लॉग राइट हियर। व्हाट डू यू से साकिब? यस, वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर एग्जॉस्टेड, वी हैव वॉक टू मच, एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। हमने कुछ स्टोरीज सुनी, हम नीचे दरिया के पास गए, सारा कुछ किया हमने। तो आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड प्लीज, ओ माय गुडनेस, मैंने बचा लिया, अभी तुमको बचा लिया, बचा लिया, देखो।
Sakhir, what is the special message? Subscribe to my brother's channel. My brother's channel, yeah. Yeah, and I got a channel too. He's got a channel too, yeah. Yeah, he's making vlogs today. Sometimes, yeah. For fun, though. For fun. Yeah, and what's the last message, Sakhir? What's the last message for people who are watching this from all over the world and all over Pakistan and all over Kyrgyzstan? Keep searching. Keep searching what? Keep searching for good qualities in a bad man.